नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन 103 स्टूडेंट हुए निष्कासित। सबसे ज्यादा नालंदा में नकल करते पकड़े गए छात्र। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन बिहार के 18 जिलों में कुल 103 स्टूडेंट्स निष्कासित किए गए। नालंदा में सबसे ज्यादा छात्र नकल करते पकड़े गए। नालंदा में 30 छात्रों को कदाचार करने के आरोप में निष्कासित किया गया। वहीं पटना में 3, भोजपुर में 7, गया में 3, अरवल में 1, सारण में 10, सुपौल में 5, मधेपुरा में 7, बांका में 1, खगड़िया में 3, लखीसराय में 2, रोहतास में 5, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 12, जमुई में 7, बेगूसराय में 1, शेखपुरा में 4 और नवादा में 1 परीक्षार्थी कदाचार करते पकड़े गए। बिहार के 18 जिलों में कुल 103 इंटर परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। इन 18 जिलों के अलावे बाकी बचे जिलों में आयोजित इंटर परीक्षा में किसी छात्र के निष्कासित होने की सूचना नहीं है। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हो, इसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कड़ाके के ठंड के बावजूद इंटर परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। बिहार में साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल LLC, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य द्वारा दायर मामलों पर सुनवाई की। इससे पहले कोर्ट ने मामले में बैंक से जवाब तलब किया था। वर्चुअल माध्यम से की गई इस सुनवाई में RBI के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा गया था। साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर भी की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल को पेश करने को कहा गया था। कोर्ट द्वारा ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। ट्रेनिंग में फेल सिपाहियों को दोबारा मिलेगा मौका, जानिए बिहार पुलिस में क्या होगा। बिहार पुलिस ने ट्रेनिंग के लिए कैलेंडर बनाया है। तय कैलेंडर के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण में फेल हो गए सिपाहियों को ट्रेनिंग पूरा करने का फिर से अवसर मिलेगा। बिहार पुलिस के ह्यूमन डेवलपमेंट और ट्रेनिंग डिवीजन ने इनकी तैयारी शुरू की है। इसके लिए 2 ट्रेनिंग सेंटरों में बुलाया गया है। इसमें पुरुष के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। इस पर सभी जिला को मानव संसाधन विभाग और ट्रेनिंग सेंटरों ने इकाई और विशेष सशस्त्र पुलिस को इस बाबत पत्र लिखा है। बता दें कि बुनियादी ट्रेनिंग में फेल हुए सिपाहियों की संख्या 1524 है। इसमें 660 जिला पुलिस बल में है, साथ ही 884 सिपाही जिनमें 328 महिला पुलिसकर्मी भी है। सशस्त्र पुलिस के सभी फेल सिपाहियों के साथ जिला बल के 405 सिपाहियों को ही पूरक प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। पूरक प्रशिक्षण के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर तय किए गए हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के BS AP 13 के ट्रेनिंग सेंटर में अनुत्तीर्ण रहे 961 पुरुष सिपाहियों का ट्रेनिंग कराया जाएगा और सासाराम स्थित महिला बटालियन में 328 महिला सिपाहियों का ट्रेनिंग सशक्त पुलिस में होगी। पटना में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की जमानत याचिका खारिज। खान सर को भी नोटिस देकर बुलाएगी पुलिस। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए हंगामे के दौरान गिरफ्तार 4 छात्रों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामे के दौरान 6 शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई थी। अब उन सभी शिक्षकों को भी पुलिस नोटिस देकर बुलाएगी। गौरतलब है कि राजेंद्र नगर स्टेशन के पास 24 जनवरी को RRB NTPC परीक्षा में के खिलाफ छात्रों ने हंगामा मचाया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को जाम कर रेलवे परिचालन को छात्रों ने बाधित कर दिया था। इस दौरान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 3 लखीसराय के रहने वाले हैं और 1 झारखंड का निवासी है। गिरफ्तार छात्रों के बयान पर पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत 6 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने राजेंद्र नगर टर्मिनल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था।
सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनेगी सरस्वती पूजा, डीजे बजाने और जुलूस निकालने पर रोक। जानिए किन शर्तों के साथ मिलेगी पूजा की अनुमति। सरस्वती पूजा को लेकर पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना समाहरणालय में जिला प्रशासन की आज बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन से अनुमति लेकर छोटे स्तर पर पूजा की जा सकती है। पटना में सरस्वती पूजा पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि जिला प्रशासन से अनुमति लेकर छोटे स्तर पर पूजा की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज में भी सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की अनुमति लेकर छोटी मूर्तियां बैठाई जा सकेगी, छोटे स्तर पर पूजा की जा सकेगी, बड़ी मूर्तियां बैठाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों पर सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सरस्वती पूजा के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में ही किया जाएगा, गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। छात्रों का आंदोलन थमते ही रेलवे का नया पेच, कहा हमारे यहाँ अप्रेंटिस मतलब पक्की नौकरी की गारंटी नहीं। बिहार में बीते हफ्ते रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ था वह पूरी तरीके से थम चुका है। रेल मंत्री के ऐलान के बाद एनटीपीसी और आरआरबी के अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तत्काल रोक दिया, लेकिन अब एक बार फिर रेलवे के ताजा बयान से छात्रों में आक्रोश बढ़ सकता है। दरअसल रेलवे ने अप्रेंटिस को पक्की नौकरी की गारंटी मानने से इनकार कर दिया है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली के आरोपों को लेकर बवाल के बीच रेलवे ने एक और स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उनके यहां से अप्रेंटिस भरकर लेने का मतलब स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। बोर्ड की ओर से सोमवार को जारी विज्ञापित में कहा गया है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवाओं को सीधे स्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती है, यह कानून संभव नहीं है। इनके लिए भी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अर्थात लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना आवश्यक है, जिसमें अन्य सभी उम्मीदवारों को गुजरना पड़ता है। पटना में पार्किंग का अब नहीं लगेगा पैसा, बस ये ऐप करना होगा इंस्टॉल। पटना वासियों के लिए खुशी की खबर है, अब पटना नगर निगम के सभी पार्किंग क्षेत्र में किसी तरह के पैसे नहीं लगेंगे। 36 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग की सुविधा मुफ्त होने जा रही है। इसे लेकर नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इस सुविधा को हासिल करने के लिए बस आपको अपने स्मार्टफोन में स्वच्छता ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आप पटना नगर निगम के पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए आप नगर निगम से जुड़ी शिकायतें भी कर सकेंगे और अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। बताया जा रहा है कि आज होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद यह प्रभावी होगा। पटना नगर निगम के 36 पार्किंग स्थलों का स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि निगम का पार्किंग स्थल अब फ्री होने जा रही है। आज वर्ल्ड कैंसर डे स्पेशल पर पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स देंगे सेहत संबंधी सवालों का जवाब। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर आज भी दुनिया में सबसे घातक माने जाने वाली बीमारी है और इसे लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर डे के मौके पर पटना के पारस हॉस्पिटल के 3 विशेषज्ञ डॉक्टर आम लोगों का सवाल लेने के लिए कई प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद रहेंगे। सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच यह 3 विशेषज्ञ डॉक्टर बिहार के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेहत संबंधित सवालों का जवाब देंगे। कैंसर जैसी बीमारी को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तरफ से बताया जाएगा। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर, अब नीतीश सरकार देगी प्रमोशन। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है। लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सभी अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोमवार को ही इस बाबत पर सरकार ने बैठक की है और विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में प्रमोशन को लेकर बैठक बुलाई गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग में सोमवार को ही पत्र जारी करते हुए सभी विभागों में 30 फरवरी तक के राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अलग अलग सेवाओं से संबंधित कैडर और ब्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मियों का आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉलिंग से हुई इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जुड़े हुए थे। प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया था। आदेश के बाद राज्यों में प्रमोशन की कार्रवाई जो लंबे अरसे से रुकी पड़ी थी उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है।
संविदा कर्मियों को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्विस बुक बनेगी। बिहार में 4.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने अब संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की पूरी जानकारी रखने का फैसला किया है। इन संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का फैसला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसका प्रारूप जारी कर दिया है, साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया गया है। सेविका पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी होगी, जिसमें नाम पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर छुट्टी तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के संविदा कर्मियों का सर्विस बुक रहेगा, हर 5 साल पर इसे अपडेट किया जाएगा। संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका फैसले को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि सरकार आने वाले वक्त में संविदा कर्मियों को अन्य तरह के लाभ भी दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुख, DGP, प्रमंडलीय आयुक्त और DM को इससे संबंधित आदेश भी जारी किया गया है। इसे कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सितंबर 2018 और जनवरी 2021 को लेकर नियोजित कर्मचारियों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया गया था। इस बात पर ध्यान रखते हुए संविदा पर बहाल होने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।